बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। मैं हूँ अब्दुल वहाब और आप देख रहे हैं AJK गॉट टैलेंट। जी नाज़रीन, आज मैं आपको 1857 की जंग आज़ादी के बारे में बताऊँगा। इसका बैकग्राउंड कुछ इस तरह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 में बरसग़ीर पाको हिंद में तजारत के गर्ज़ से आई और उन्होंने आस्ता आस्ता बरसग़ीर पाको हिंद में अपना कब्ज़ा जमाना शुरू कर दिया। 1757 में जब उन्होंने जंग प्लासी नवाब सिराजुद्दौला के ख़िलाफ़ जीती, इसके बाद उन्होंने तेज़ी से पूरे हिंदुस्तान पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया और 1856 तक पूरे हिंदुस्तान पर कब्ज़ा कर लिया। बरसग़ीर पर कब्ज़ा करने के बाद अंग्रेज़ों ने मैन कंट्रोल, आर्मी, कोर्ट्स और दीगर जो बड़े अहदे थे वो अपने पास रखे और छोटे अहदों पर मुसलमानों और हिंदुओं को नाफज किया। जंग आज़ादी की सबसे बड़ी और बुनियादी वजह ये थी कि वो लोगों पर भारी टैक्स लगाते थे जो एक आम आदमी मैं अदा नहीं कर सकता था। इसके अलावा अंग्रेज़ ख़ुद को सुपीरियर समझते थे और मुसलमानों और हिंदुओं को अपने से कमतर समझते थे। अंग्रेज़ों के इस रवैये को देखते हुए मुसलमानों और हिंदुओं में आज़ादी का जज्बा पैदा हुआ और उन्होंने बाहमी प्लानिंग के साथ 1857 की जंग आज़ादी लड़ी। उम्मीद करता हूँ आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी के साथ चाहूँगा आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।